दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेक्निक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे ये सब्सक्राइब बटन मिल जाता है, दबाकर कर लें चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक को लेटेस्ट टॉपिक की कि सैटेलाइट मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम किस प्रकार से यहाँ पर काम करता है। एक सैटेलाइट यहाँ से ऊपर भेज दी जाती है और उसके बाद क्या हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है जो कि हम अपने पॉकेट में रखते हैं वो क्या एक सैटेलाइट से चलता है या फिर सिग्नल आते कहाँ से हैं। कोई केबल वगैरह भी इतनी सारी यहाँ पर नहीं होती हैं, पूरे कंट्री के अंदर इतनी भी केबल्स नहीं है कि हर टावर के ऊपर यहाँ पर केबल लगा रखी हो या फिर केबल बिछाई हुई हो। काफ़ी सारा जो है सिस्टम सैटेलाइट से लेकर एक टावर तक का आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, तो आगे वीडियो को देखते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन वायरलेस मोबाइल काफ़ी कुछ जो आजकल मार्केट में आया हुआ है, लेकिन किस प्रकार से काम करता है। चाहे आपका डिश टीवी हो, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, डिश टीवी तो डायरेक्ट जो है सैटेलाइट से काम करता है, लेकिन आपका मोबाइल जो है इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि एक सैटेलाइट जितनी यहाँ पर या फिर उसके अंदर इतना बड़ा एंटीना लगा दें कि एक सैटेलाइट से डायरेक्ट यहाँ पर सिग्नल निकाल कर हमें जो है बात करा सके। लेकिन सैटेलाइट मोबाइल भी हैं और सैटेलाइट से ही चलते हैं, चाहे आप कहीं पर भी हों, लेकिन उनके लिए जो है अलग अलग जगह हमें देखनी पड़ती है। अगर आप खड्डे में हैं तो आपका जो सैटेलाइट मोबाइल है वो ठीक से यहाँ पर काम नहीं करेगा, तो आपको जो है ऊंचाइयों के ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ी सी हाइट लेनी पड़ेगी, वहाँ से जो आप कनेक्शन करके यहाँ पर बात कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स से हैं। लेकिन काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी दिखाया जाता है यहाँ पर कि जंगल में लोग फंस गए हैं, उन्हें नेटवर्क यहाँ पर नहीं मिल पा रहा, क्यों ढूंढते हैं वो जंगल में नेटवर्क, क्या जंगल में टावर लगे हुए होते हैं, उनके पास जो है सैटेलाइट फ़ोन होता है जो कि ज़्यादा हाइट के ऊपर जाने के बाद जो है सैटेलाइट से कनेक्ट होकर यहाँ पर हमें बात करा देता है। सैटेलाइट फ़ोन में एक बहुत बड़ी कमी है, हम यहाँ से बोलते हैं हेलो तो सामने वाले के पास हेलो जो है काफ़ी बार या फिर काफ़ी देर बाद यहाँ पर पहुँच पाता है, और जब वो जवाब देता है तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग जाता है क्योंकि एक लंबा प्रोसेस यहाँ पर हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सैटेलाइट फ़ोन से हम कॉल कर रहे हैं तो सामने वाला भी सैटेलाइट फ़ोन ही है जो कि रिसीव कर रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। वो हो सकता है मोबाइल फ़ोन जो कि एक टावर के साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकता है, वहाँ से जब वो जवाब देता है तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, तो काफ़ी धीरे धीरे जो है कम्युनिकेशन होता है क्योंकि सैटेलाइट काफ़ी दूर है यहाँ पर और इतनी टेक्नोलॉजी यहाँ पर विकसित नहीं हुई है अभी कि ये जो सैटेलाइट की रेंज है या फिर जो भी समझिए यहाँ पर अल्फा गामा बीटा काफ़ी सारी अलग अलग तरंग्स यहाँ पर होती हैं, इनकी स्पीड इतनी भी नहीं है कि हाई स्पीड से हम यहाँ पर वॉइस को तरंग में बनाकर यहाँ पर भेज दें सैटेलाइट के पास और सैटेलाइट जो है दूसरे मोबाइल या फिर टावर कनेक्टिविटी के साथ यहाँ पर कर दे। लेकिन बात करते हैं मोबाइल किस प्रकार से काम करते हैं सैटेलाइट से, बिल्कुल यहाँ पर यही होता है। जैसे कि आप हैं दिल्ली के अंदर या फिर आप महाराष्ट्र के अंदर हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र यहाँ पर ले लेते हैं दो जगह, महाराष्ट्र के अंदर भी एक बड़ी सी डिश लगी हुई होती है और दिल्ली के अंदर भी जगह जगह दो तीन चार जो हम बड़ी बड़ी डिश लगी हुई होती हैं जो कि लगभग 20-30-50 फुट लंबी चौड़ी यहाँ पर हो सकती हैं। वो डिश ही यहाँ पर जो है डायरेक्ट सेटेलाइट से कनेक्टेड होती हैं और पूरी दिल्ली के अंदर उन टावर्स को यहाँ पर पहुँचाती हैं सेटेलाइट से कनेक्टिविटी लेकर। उधर जो महाराष्ट्र में लगी हुई है, अब महाराष्ट्र से दिल्ली तक जो है केबल तो नहीं लाया जा सकता, तो वहाँ से जो है सैटेलाइट के पास सिग्नल पहुँचते हैं और वो जो है दूसरे सैटेलाइट जो मतलब बड़ी सी छतरी यहाँ पर लगी हुई है, बड़ा सा टावर जो कि नीचे ही लगा हुआ है वहाँ पर जो है उसे रिपीट करता है। तो इस प्रोसेसर को रिपीट बोलते हैं, फिर रिपीटर बोलते हैं, जो कि हर टावर के ऊपर भी एक रिपीटर लगा हुआ होता है, एक दूसरे टावर के साथ यहाँ पर बात करने की क्षमता होती है टावर्स में, उन्हें बोलते हैं यहाँ पर रिपीटर, छोटी सी डिवाइस होती है जिसे रिपीटर बोला जाता है। उसी प्रकार से सैटेलाइट के साथ होता है, उसी प्रकार से उस बड़े से डिश एंटेना का और टावर तक जो केबल गई हुई है, मैं एक मेन टावर के पास यहाँ पर केबल पहुँचानी होती है, फिर वो टावर दूसरे टावर को रिपीट करेगा और वो टावर तीसरे टावर को रिपीट करेगा और एक दूसरे से यहाँ पर रिपीट हो जाएंगे। अब मैंने जैसा कि यहाँ पर बताया कि सैटेलाइट पर बात करने की स्पीड काफ़ी कम होती है, तो उसके लिए एक सैटेलाइट नहीं होती है, काफ़ी सारी अलग अलग सैटेलाइट यहाँ पर आजकल छोड़ दी गई हैं जिनसे जो है अलग अलग तीन चार जो मैंने बड़ी बड़ी डिश बताई हैं जो कि जमीन के ऊपर लगी हुई होती हैं 20-30-50 फुट तक जो है लंबी चौड़ी हो सकती हैं, तो अलग अलग सैटेलाइट के साथ यहाँ पर कम्युनिकेट करके काफ़ी थोड़ी ज़्यादा स्पीड यहाँ पर बढ़ा लेती हैं, तो उससे जो है हमारी कॉल यहाँ पर हो जाती है। अब आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा भी विलंब नहीं होता है क्या, बिल्कुल एक सेकंड का फ़र्क होता है। जैसे कि दिल्ली से आप महाराष्ट्र कॉल करेंगे तो एक सेकंड लगेगा हमारी आवाज़ वहाँ पर पहुँचने में और हमें पता भी नहीं चलेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है जब तक हम बात ख़त्म करते हैं और ख़त्म कर जब बंद हो जाते हैं
उसके बाद एक सेकंड का टाइम हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती है। तो शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, इसके लिए मैं एक और वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ। तो अभी जो है इतना ही मुझे समझाना था कि कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है वायरलेसली, तो इसी प्रकार से होता है वायरलेसली। किसी भी टावर से दूसरे टावर तक रेंज पहुंचाने के लिए रिपीटर्स का यूज़ होता है, एक दूसरे टावर के ऊपर रिपीटर्स लगे हुए होते हैं, वो अपने आप जो है कम्युनिकेशन यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे हम कॉल करते हैं एक टावर के ऊपर जाता है, वहाँ से रिपीट होकर दूसरे टावर पर जाता है। अगर हम काफ़ी दूर कर रहे हैं जैसे कि दिल्ली से महाराष्ट्र कर रहे हैं, तो फिर बड़ी सी छतरी जो लगी हुई है एंटीना डिस एंटीना वहाँ पर जाता है और सेटेलाइट्स को वहाँ पर जो है भेज देता है। हाई स्पीड कम्युनिकेट करने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग सेटेलाइट्स का यहाँ पर यूज़ होता है। दूसरी तरफ भी वही बड़ा सा एक डिस एंटीना लगा हुआ होता है, वो तुरंत जो है उन सिग्नल्स को वहाँ पर एक्सेस कर लेता है और मुख्य टावर पर भेज देता है, और मुख्य टावर वहाँ से दूसरे टावर्स के यहाँ पर रिपीट कर देता है और दूसरे मोबाइल के पास यहाँ पर पहुँच जाती है। और ये प्रोसेस होने में माइक्रोसेकंड्स का वक्त लगता है, बिल्कुल कम टाइम लगता है। तो शायद आप समझ गए होंगे काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको और ज़्यादा यहाँ पर अच्छी तरह से समझा सकूँ। अभी जो है सिर्फ ये स्टार्टिंग है और पार्ट वन है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को कर लें सब्सक्राइब ऐसे वीडियो रोज देखते रहने के लिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करते हुए फ्रेंड्स को कोई सवाल है कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।